अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आज हम अपने टाउनशिप गेम में जो है वो अपनी क्रॉप्स देखेंगे और हमने जो अपने ऑर्डर्स दिए हैं उन्हें देखेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे तकरीबन ऑर्डर्स जो हैं वो हमारे पास रेडी हैं और हमारी फसलें भी क्रॉप्स भी फुली ग्रोन हैं। तो हम जो है वो सबसे पहले अपने ऑर्डर्स कलेक्ट करते हैं, तो साथ में हम जो है न्यू ऑर्डर्स भी देते जाएंगे। देखिए हमारे ये प्रोडक्ट्स भी रेडी हैं, इन्हें कलेक्ट कर लिया हमने। बेकरी प्रोडक्ट्स भी फुली रेडी हैं, इन्हें भी कलेक्ट कर लेते हैं। हमारे मिल्क प्रोडक्ट्स भी सारे रेडी हैं और ये हमने न्यू ऑर्डर्स भी देते हैं। और ये प्रोडक्ट्स भी हमारे पास रेडी हैं, इन्हें भी कलेक्ट कर लिया। ये थ्रेड भी रेडी हैं और न्यू ऑर्डर्स भी दे देते हैं हमारे पास। और ड्रेसेस भी रेडी हैं, ये भी कलेक्ट कर लेते हैं और साथ में न्यू ऑर्डर्स भी दे देते हैं। और फूड भी तकरीबन हमारे पास रेडी है, ये भी हमने कलेक्ट कर ली। लास्ट प्रोडक्ट्स भी हो गए और ये प्रोडक्ट्स भी हमने कर लिए। जैम्स भी रेडी हैं, इन्हें भी ले लेते हैं। ओके, ये भी तकरीबन सब प्रोडक्ट्स रेडी हैं और न्यू ऑर्डर्स बाद में देते हैं। और ये हमारे पास आइसक्रीम्स भी रेडी हैं। अब इसके बाद जो है हम अपनी क्रॉप्स देखते हैं, उन्हें कट कर लेते हैं, इन्हें साथ में गंदम उगा भी लेते हैं ताकि ये रेडी हो जाए और फर्दर कट। ओके, तो हमारा गोदाम जो है वो तकरीबन फिल हो गया है, तो इसके लिए हमें फर्दर पहले अपना गोदाम खाली करना होगा। और इससे उसके लिए ज़्यादा अच्छा है कि हम कुछ जो है वो ऑर्डर्स दे दें और कुछ फूड जो हमारे पास पहले गोदाम में पड़ी है उसे इस्तेमाल कर लें। तो हमारे पास जो है ना बेहतर यही है कि हम जो हमने ऑर्डर कलेक्ट किए हैं उन्हें हम यूज़ करते हैं। तो हमारे पास जो है ना वो हम शिप के फूड देते हैं और यहाँ से हम जो है वो उनको कलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह हमारे पास कुछ ना कुछ स्पेस बन जाएगी। और हमारे पास एग्स भी रेडी हैं, ये भी कलेक्ट कर लेते हैं और साथ में इन्हें फूड्स भी देते जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ये हमने इतने जो है वो एग कलेक्ट कर लिए और इन्हें फूड भी दे दिए। मिल्क भी तकरीबन रेडी है तो ये भी ले लेते हैं। अब इसमें से कुछ मिल्क जो है वो हम कुछ फूड यहाँ से फर्दर लेते हैं। और ये हमारे पास फर्दर भी हमने कुछ एग कलेक्ट कर लिए। अब हम फर्दर देखते हैं कि जहाँ पे हम और ऑर्डर्स दे सकते हैं वो दे लें ताकि हमारे गोदाम में फर्दर जगह बन सके। तो यहाँ पे हम ये ऑर्डर दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, फर्दर चेक कर लेते हैं। तो ये तो नहीं दे सकते, ये दे सकते हैं। और अब हमारे पास कुछ स्पेस बन गया, हम कुछ और जो है ना वो क्रॉप्स क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पे फर्दर अब हम मकई उगा लेते हैं और कुछ जो है ना वो हम क्या करते हैं कि स्ट्रॉबेरी उगा लेते हैं। कुछ स्पेस बना लेते हैं जो हमारे पास एक्स्ट्रा क्रॉप्स हैं, लाइक हमारी ज़रूरत से ज़्यादा हैं, उन्हें हम कट कर लेते हैं और ताकि कुछ स्पेस बन जाए और हम जो है वो फर्दर जो अपने क्रॉप्स को क्लियर कर सकें। तो काफ़ी जगह बन गई है, काफ़ी क्रॉप्स क्लियर हो जाएंगे। तो ये हो गई है, ओके, कुछ रह गई हैं, चलिए इन्हें पहले ग्रो कर लेते हैं। चलिए हमारी न्यू जो है वो फसलें तो हमने उगा ली हैं, अब हम फर्दर देखते हैं कि ऐसे कोई ऑर्डर्स जो हम न्यू ऑर्डर्स दे सकें। हम ऑर्डर्स दे लेते हैं ताकि हमारे गोदाम में फर्दर स्पेस बन सके। और हमारे पास हमारे मिल्क रेडी है लेकिन गोदाम फिर फेल हो गया है, तो इसको खाली कर लेते हैं पहले।
और अब जो है वो कुछ मिल्क हमने ले लिया है, इसके साथ ही हमें कुछ मिल्क के ऑर्डर दे देते हैं ताकि थोड़ी स्पेस बन जाए। और ये हमें गिफ्ट भी मिल गया तो और देख लेते हैं। हमारे पास ये हमारे कुछ ऑर्डर्स रह गए, हम न्यू ऑर्डर्स दे लेते हैं और साथ में ही हमारे पास जो हमारे रेडी हैं इन्हें भी कलेक्ट कर लिए। अब हम इसके साथ ही जो है ना हम अपने शिप्स देख लेते हैं, वो भी तकरीबन आ चुके हैं तो ये ऑर्डर्स भी कलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन गोदाम फिर फिल है तो हम उसे खाली करके आते हैं थोड़ा ताकि थोड़ी जगह बन जाए। हमारे पास जो हमारी क्रॉप्स और जो हमारे पास हमारे प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं उन्हें हम सेल कर लेते हैं, इस तरह हमारे कॉइन्स भी बढ़ जाएंगे और हमारे गोदाम में कुछ जगह भी बन जाएगी। तो फिर हम देख लेते हैं, हमारे पास एक ऑर्डर आया हुआ हेलीकॉप्टर से तो इसको सेंड कर लेते हैं। कॉल भी आ गया, इसे थोड़ा सा देर है तो इसके बाद हम अपनी जो है वो हम अपनी ट्रेन्स देख लेते हैं। अब हम अपनी ट्रेन्स को लोड कर लेते हैं और ये हमने सेकंड ट्रेन भी लोड कर ली है, इसके रिमेनिंग जो है वो हम बाद में लोड करते हैं। हम फर्दर जो है वो ऑर्डर्स देख लेते हैं, लेकिन हमारा हेलीकॉप्टर वापस आ चुका है तो हम सबसे पहले इसको भेज देते हैं। हमारे पास फूड रेडी है तो मिल्क भी रेडी है तो हम ऐसा करते हैं कि मिल्क कलेक्ट कर लेते हैं। और ये हमने जो है वो मिल्क इस तरह कलेक्ट कर ली। ये देख लेते हैं, ये हमें किसी ने लेटर भेजा है। ओके, तो ये हमारे पास हमारे फ्रेंड से लेटर भेजा है, मैंने इनकी हेल्प की थी ना तो इन्होंने मुझे जो है ना वापस लेटर भेजा। तो चले, हमने अपनी फसलें भी तकरीबन ग्रो कर ली हैं, ऑर्डर्स भी कलेक्ट कर लिए हैं। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।